सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्त। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के कंटेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों, अगर आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर से कोई भी कंटेंट को कॉपी करता है अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, वो लोग यूज कर लेता है तो आपके ब्लॉग वेबसाइट का यानी रैंकिंग जो होता है वो बहुत पीछे हो जाएगा और आपका ब्लॉग वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएगा। तो उसे हम किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं ताकि हमारे किसी भी कंटेंट को कोई भी कॉपी ना कर सके, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पे लाल कलर का बटन देख रहे हैं, इसको दबा के फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटे का बटन है, इसको भी दबा के इनेबल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आइए टेक्निकल हिंदी का हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट में यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्टली कोई भी कंटेंट को हमारा कॉपी कर सकता है, जबकि ये 100% यूनिक कंटेंट है तो हमारा ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे रैंक नहीं करने वाला। तो इसे हम लोग सिंपल डिसेबल कैसे करेंगे, तो आपको हमारे यानी जाना होगा हमारे क्या कहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जा करके इसे पढ़ सकते हैं कि हम लोग क्यों इसे यहाँ पे ये करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए आने के लिए बोल रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे कोड प्रोवाइड किया हूँ और आपको यहाँ पे कोड ले लेना है। तो सिंपल है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, बस छोटा सा प्रोसेस है और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट की मदद से यहाँ पे मैंने बताया भी है कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो के माध्यम से बता ही रहे हैं। तो सिंपल आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना है, इस कोड को कॉपी करने के बाद इस कोड को जैसे ही आप कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें अपना यहाँ ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल है यहाँ पे एक गैजेट को क्रिएट करना है। गैजेट को जैसे क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे गैजेट दिखेगा, लेकिन आपको HTML गैजेट लेना है। तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये देखिए हो चुका है। बस वहाँ से जो भी कोड को आपने कॉपी किया है सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे सेव अरेंजमेंट करना है और अपने पेज को मैं यहाँ पे लाइव यहाँ पे अभी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप किसी तरह का भी कंटेंट को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे सिर्फ बैक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का भी कोई भी कंटेंट को ये लोग कॉपी अब नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कंटेंट को ये लोग कॉपी नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।